जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना अलीशा और मैं हूं अरूज फातिमा। जैसा कि हम एक नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आए हैं बच के रहना। वाकई बच के रहना जी नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है हमारी आवाम करप्ट है। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, साड़ी गवर्नमेंट करप्ट है। ओए हट जा बीबी, आवाम करप्ट है। मैं कह रही हूं गवर्नमेंट करप्ट है। ओ बीबी, आवाम करप्ट है, गवर्नमेंट करप्ट है। ओ छोटी जी चिंगम, मैं कह रही हूं आवाम करप्ट है। मैं कह रही हूं गवर्नमेंट करप्ट है। मैं कह रहा हूं आवाम करप्ट है। मैं कह रही हूं गवर्नमेंट करप्ट है। मैं कह रहा हूं आवाम करप्ट है। मैं कह रही हूं गवर्नमेंट करप्ट है। चल ठीक है फिर, हो जाए फैसला। फिर हो जाए फैसला। लो फिर आज फैसला हो ही जावे। चलो हो ही जाए। अपनी गवर्नमेंट के साथ अपना कुछ ना कुछ उसके साथ हौसला अफजाई करेंगे तो हमारी हुकूमत, हमारी गवर्नमेंट भी राइट वे पे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप जी? ऊंची बोले आंटी, कैसी हैं आप? आप ठीक हैं? ठीक है। अच्छा तो मुझे ये बताएं, इमरान खान आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है? ओ मैं शुक्र जो आप तो दोनों तरफ जा रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ भी जा रहे हो, आवाम की तरफ भी जा रहे हो। एक बताओ ना, मैंने दोनों में से एक सवाल पूछा है आपको, गवर्नमेंट करप्ट है या अपना आवाम करप्ट है? ज्यादातर तो मैं आवाम को कहूंगा। ज्यादातर तो मैं आवाम को कहूंगा। हुकूमत करप्ट है, हुकूमत करप्ट है, हुकूमत करप्ट है। वो कैसे आपको कैसे पता कि आवाम करप्ट है? इसलिए देखें, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जब हमें गवर्नमेंट, जब हमें पाकिस्तान के लीडर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। जी थोड़ा सा नजरिया पेश करेंगे कैसे करप्ट है? ये कोई उसने महंगाई का तोड़ नहीं किया बल्कि महंगाई को बढ़ा दिया, इसी वजह से वो बिल्कुल नहीं सही है, हुकूमत हमारी इस वक्त सही नहीं है। अच्छा मुझे ये बताएं, इस दौर में महंगाई हुई है क्या? आया जब भी कोई हुकूमत नहीं आती उस दौर में महंगाई हुई है कि नहीं हुई? हाँ हुई है, इतनी ज्यादा नहीं हुई जो इस वक्त हुई है। हम साथ देंगे, हमारी आवाम साथ देगी, तब जाके एक लीटर ऊपर आएगा। तो आपके ख्याल से गवर्नमेंट करप्ट है? ये इमरान खान ने कहा था कि जी बिल नहीं देगा, देगी आवाम, लेकिन ज्यादा बिल आ रहे हैं, बिजली की ज्यादा डिमांड हो गई है, हर चीज की ज्यादा डिमांड हो गई है, इसी वजह से इमरान खान बिल्कुल नहीं सही है। अब बताएं कुछ कमेंट्स दें आपके, आया हमारी आवाम करप्ट है, हुकूमत करप्ट है? हुकूमत करप्ट है इस वक्त, हुकूमत करप्ट है इस वक्त, हुकूमत करप्ट है इस वक्त। इमरान खान किसी को सहूलत ही नहीं दे रहा, किसी चीज की, कोई भी आवाम भूखी है वो अपने बैंक बैलेंस बना रहा है, कहते मैं आवाम को सहूलत दे रहा हूँ, दो साल हो गए किसी को कुछ नहीं मिला। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है या हमारी जो आवाम है वो करप्ट है? गलत बात है, ये बात तो किसी के बारे में भी नहीं करनी चाहिए करप्ट की। लेकिन आपका ख्याल क्या है कि हमारी गवर्नमेंट जो सही नहीं है या फिर हमारी जो आवाम है वो सही नहीं है? कोताहियां तो हर सब में ही होती हैं जी जी, दोनों को अपनी अपनी जगह ठीक करना चाहिए जी। नहीं आप एक का बताएं ना, आप दोनों तरफ जा रही है, आप एक का बताएं ना, हमारी गवर्नमेंट की गलती है या हमारी आवाम गलत है? देखें आप कैसी बात पूछ रही हैं, गवर्नमेंट गलत है कि आवाम गलत है? गवर्नमेंट भी जो है ना वो भी इतनी आसानी से सब कुछ नहीं तय कर सकती या हालात को सही नहीं कर सकती एकदम से, जो भी गवर्नमेंट हो हर किसी के लिए भी मसले मसाइल होते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मुझे ये बताएं, मौजूदा हमारी आवाम करप्ट है या हुकूमत करप्ट है? हुकूमत करप्ट है, हुकूमत करप्ट है, हुकूमत करप्ट है। तो मतलब आपने कहा ना हुकूमत करप्ट है, तो कैसे करप्ट है? क्योंकि इमरान खान ने जो महंगाई की है ना उसकी वजह से सारी दुनिया परेशान है, क्योंकि दुनिया से बोला भी नहीं जा रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए परेशान है कि इतनी महंगाई है, छोटी छोटी चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगाई पे मिल रही हैं, कपड़े हो गए हैं, हर चीज़ हो गई है, तो उसकी वजह से बस इसलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अच्छा सचिन भाई मुझे ज़रा ये बताएंगे, हमारी जो आवाम है वो करप्ट है या हमारी जो गवर्नमेंट है वो करप्ट है? बराबर ही है, 50-50 है। नहीं भाजी तुसी मैंने हूँ दोनों पासे ना ना जाओ, तुसी मैंने एक दसो ना। देखो ना जी हूँ बच्चों वाली हैं आप? हाँ जी। कितनी फीस देती है बच्चों की?
ਫੀਸਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਹੈ। ਨਾ ਆਵਾਮ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਮੈਂ ਪੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਇਹ 85 ਪੈਸੇ ਦਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਹੋਲਸੇਲ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ 4 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਰਾਈਟ 70 ਪੈਸੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 87 ਰੁਪਏ 70 ਪੈਸੇ, 100 110 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ, ਪਾਲਕ ਚਾਹ ਜੋ 150 ਦੀ ਵਿਕਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ 30 ਰੁਪਈਏ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਰਨ ਉਹ ਲੈਂਦੇ 10 ਰੁਪਈਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ? ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ। ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਵਾਮ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ 7 ਰੁਪਏ ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੇਟ ਉਹਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 500 ਦੀ ਵੇਚ ਕੇ ਕਹਾਂਗਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਪ ਦਿਖਾ ਦਾ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ, ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕਅਪ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ 500 ਦੀ 1000 ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਟੈਕਸ, 30 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਪੈ ਜਾਂਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਗੱਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਪਟ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਆਪਕਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ? ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਰਨਾ ਜੈਸੀ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹਮੇਂ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਂਸਰ ਨਾ ਹੋਵਾ, ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਬਤਾਏ। ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ। ਅੱਛਾ, ਵੋ ਕੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਮਿਲਾਵਟ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ 2 ਨੰਬਰੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਉਨਕੀ ਅਮਾਲ ਹੈ ਵੈਸੇ ਉਨਕੋ ਨਤੀਜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਹਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਹਮੇਰਾ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਅਵਾਮ ਸਹੀ ਹੈ? ਉਨਸੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੱਗਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਾਲਿਦ ਫਾਰੂਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਕਰਪਟ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਕੈਸੇ ਜੈਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੈਸੀ ਆਵਾਮ, ਜੈਸੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤੁਹਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਰਪਟ, ਤੁਹਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਰੀ ਆਵਾਮ ਹੀ ਕਰਪਟ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਤਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਕੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੱਧੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਲਈ ਤਜ਼ਕੀਆ ਵੀ ਕੀਆ, ਨੋਟ ਵੀ ਕੀਆ ਕਿ ਵੀ ਹਕੂਮਤੇ ਕਿਤਨੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੇ ਇਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਤਜਾਜ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਆਪਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਸੇ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਤਜਾਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਜੈਸੇ ਕਿ ਅਭੀ ਇਹ ਦੇਖੇ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੇਂ ਗ੍ਰਿਫਤ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ ਬਿੱਲ ਕਾ ਦਬਾਓ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਕਾ ਦਬਾਓ ਹੈ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਸੇ ਉਪਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਦਬਾਓ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਜੀ ਮੇਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਜੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਆਪੀ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਆਪ ਮੇਂ ਸੇ? ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਂਗੀ? ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਆਪਸੇ ਛੋਟਾ ਸਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬਤਾਏ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮ? ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ ਆਵਾਮ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ, ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਜ਼ੈਨਬ ਅਲੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਪਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਰਪਟ ਹੈ? ਸਭੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਭੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਰਪਟ ਹੈ, ਸਭੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਾਰੀ ਆਵਾਮ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਕੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਕੈਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਵਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਤਭੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਬ ਹਮ ਵੋਟ ਕਰਤੇ ਤੋ ਤਭੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਮਤਲਬ ਜਬ ਹਮ ਵੋਟ ਡਾਲਤੇ ਹੈ ਤੋ ਕੁਛ ਸੋਚਤੇ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਇਆ ਇਹ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਪੇ ਹਮ ਮੁਸੱਲਤ ਹਾਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮ ਆਪ ਖੁਦ ਪਰ, ਤੋ ਆਇਆ ਇਹ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋਚ ਕਰਤਾ ਹੈ ਵੋਟ ਡਾਲਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ?
वो कैसे? क्योंकि हम खुद सही नहीं है तो आवाम भी जहर से पता खुद ख़राब होती है तो फिर हमें सरकार भी ख़राब मिलती है ना। थोड़ा सा इंसानों को ना हमें खुद भी ठीक होने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह फिर हमें जो है हुक्मरान भी अच्छे मिल जाएंगे। अच्छा तो तुम यह दसो ना कि तुम्हें दोनों चु कि चंकी ला दी, आवाम चंकी ला दी कि गवर्नमेंट चंकी ला दी? मुझे तो आवाम ही अच्छी लगती है। सबसे बड़ी बात यह जो लाहौर में इतना कूड़ा करकट फैला हुआ है जिसकी वजह से हुकूमत को ये पता ही नहीं है इतना गंद फैल रहा है, तो जगह जगह गलियों और घरों के साथ इतने इतने बड़े ढेर लगे हुए हैं और ये हुकूमत की गफलत है। और जो काम कर रहे थे उनको काम से निकाल दिया तो कूड़ा करकट तो जगह जगह पड़ा ही रहना। अच्छा जो वर्कर काम कर रहे थे उन्हें निकाल दिया तो कूड़ा कर तो ढेर कभी किसी जगह पे ढेर लगे कभी किसी जगह पे, और ये क्या हुकूमत की गफलत? तो इसमें हम हुकूमत की गफलत ही कहेंगे, जाहिर सी बात है इंसानों के तो है नहीं। इधर जो इंसान है वो हुकूमत को किस लिए वोट डालते हैं? इसीलिए कि वो इस ये जो पाकिस्तान है इसका काम करे, लोगों की हिफाजत करे। ये जो कूड़ा करकट है इससे कौन सी सेहत फैल रही है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई आपका नाम? अजाज। अच्छा अजाज भाई, मुझे ये बताएं कि हमारी वाम करप्ट है या हमारी गवर्नमेंट करप्ट है? मिक्स ही है। नहीं भाई तुम यह दसो ना मिक्स क्यों है? तुम एक पास का ना लो ना, साड़ी गवर्नमेंट सही नहीं है, साढ़े लोग सही नहीं है, असी सही नहीं है, कौन सही है? लोग भी बेहतर नहीं है तो आवाम भी, वो भी हुकूमत भी बेहतर नहीं है। नहीं भाई तुम एक गल दसो ना, गवर्नमेंट सही नहीं है या साड़ी आवाम सही है या साड़ी गवर्नमेंट सही है? गवर्नमेंट ही सही नहीं है वैसे, गवर्नमेंट ही सही नहीं है वैसे, गवर्नमेंट ही सही नहीं है। आपका नाम क्या है? आतिश शफीक। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हमारी हुकूमत करप्ट है या आवाम करप्ट है? मैं तो कहूँगा कि दोनों ही करप्ट हैं। ओ किस तरह? महंगाई देखो कितनी है। अच्छा तो यह गवर्नमेंट ने महंगाई की थी? और किने की थी? तो तुसी उन्होंने मौका क्यों दिता है? तुसी वोट दिते ने तो फिर ही उन्होंने महंगाई की थी। असाने नहीं वोट दिते। तुसी एदा मतलब कि वोट जाया करता है? उन्होंने नहीं दिते वोट। और किनू दिते? मैं? हाँ जी। मैं दिता नवाज शरीफ को। पाजी पहले सोच लो। ये आपने तो बड़े इजीली कह दिया कि हुकूमत भी करप्ट है, आवाम भी करप्ट है। कुछ नजरिया पेश करें ना, बताएं। आवाम को पता ही नहीं हुकूमत में क्या चल रहा है, ना हुकूमत को पता आवाम के साथ क्या हो रहा है। तो इसका हल क्या होना चाहिए? हल अब यही है कि आवाम अपने आप को सिंसियर करे, मेरे ख्याल से अपने आप को देखे कि अपना अंदर देखे। चलो ठीक है, मेरा भरा कुछ ज्यादा ही दुखी सी, कोई गल नहीं, अल्लाह का भी भला करे, असी भी चलने। आ जाओ जी। आपका नाम? मोहम्मद अहसान। अच्छा ये बताएं कि हुकूमत करप्ट है या आवाम करप्ट है? आवाम करप्ट है, आवाम करप्ट है, आवाम करप्ट है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। पाजी तुम्हारा नाम की है? एंथनी। अच्छा तुम पाजी यह दसो कि साड़ी गवर्नमेंट सही है या साड़ी आवाम सही है? साड़ी आवाम सही, गवर्नमेंट सही, गवर्नमेंट सही, गवर्नमेंट सही। हमें अपने आप को ठीक करना होगा, उसके बाद ही हम हुकूमत को कोई कर सकते हैं। मतलब आवाम कैसे करप्ट है और कैसे वो ठीक करे? हर बंदा अपने ज़मीर का चोर है, इस वजह से हम सब करप्ट हैं। जो जैसे हम होंगे ऐसे ही हमें हुक्मरान मिलेंगे। ओ किस तरह? ओ इमरान खान, बस तुम पता ही उन्हें की किया ऐसा कि वो खराब हो गया तो सही की कर रहे? तुम सारे पता है इन शेव महंगी करी जा रहे। जो तुम्हें वोट दिता तू उदो नहीं पता कि वह की करेगा? मैं दिता ही नहीं। मैं मतलब तुम अपना वोट जाया कर दिया? हाँ जी, मेरे पिछे नहीं। क्या नाम आपका? अली हुसैन। अली हुसैन ये बताएं कि आवाम करप्ट है या हुकूमत करप्ट है? मेरे हिसाब से तो दोनों ही करप्ट हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही करप्ट हैं, मेरे हिसाब से तो दोनों ही करप्ट हैं। हाँ जी तुसी दसो तुम्हारा नाम की है? मेरा नाम आयशा। अच्छा आयशा तू इस वेले की लेन आई है इस जगह पे? अपने मियां के साथ एंजॉय करने आई हूं पार्क में। जेड़ा नया साल गुजरिया है ओदे एंजॉय करने वास्ते आई? हाँ जी। अच्छा तुसी आवाम वास्ते की कहना चाहोगे, साड़ी आवाम सही है या साड़ी गवर्नमेंट सही है? आवाम अच्छी है, अब उसको चाहिए कि अब खुद सोच समझ के वोट दें, ज़्यादा से ज़्यादा यही चाहिए। जो पहले हो चुका है अब वो दोबारा ना हो, जो पहले हो चुका है अब वो दोबारा ना हो, जो पहले हो चुका है अब वो दोबारा ना हो। अरूज तेरी गल सही सी, ये आवामी करप्ट नहीं है, हुकूमत गलत है। हाँ वैसे साड़ी भी गल ठीक है, ये साड़ी आवाम ही करप्ट है। और नहीं बीबी हुकूमत करप्ट है। मैं कह रही है